गुड मॉर्निंग दोस्तों, देसी फ्लेवर बाई आरुषी फिर से आ गई है एक न्यू रेसिपी लेके। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए, मैं दिखाती हूँ कि मैं इस सूजी से क्या बनाने जा रही हूँ। सुबह सुबह बच्चे बूढ़े रोज़ रोज़ पूरी पराठा ये सब खा के बोर हो जाते हैं, तो मैं एक ऐसी रेसिपी बना रही हूँ जिसे बच्चे बूढ़े सभी पसंद से खाएँ। तो चलिए देखते हैं क्या बनाती हूँ मैं इससे। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी, बेसन, टमाटर, कटी हुई प्याज, कटी हुई मिर्च, धनिया के पत्ती, नमक, हल्दी। ये रेसिपी थोड़ा चटपटा बनाने के लिए मैं मिर्च डाल रही हूँ। अगर बच्चे मिर्च नहीं खाते हैं तो आप मिर्च को स्किप कर सकती हैं। मैंने एक बोल लिया है, अब मैं इस बोल के अंदर सभी सामानों को डाल दूँगी। सबसे पहले मैं सूजी डालती हूँ, उसके साथ बेसन, टमाटर, कटी हुई टमाटर, देखिएगा ज़्यादा लगे तो थोड़ा छोड़ भी सकते हैं, कटी हुई प्याज, मिर्च। मेरे घर के लोग तीखा बहुत खाते हैं इसलिए मैं मिर्च थोड़ी ज़्यादा डालूंगी। धनिया की पत्ती, नमक। मैं ज़्यादातर नमक या हल्दी डालने के लिए हाथों का यूज़ करती हूँ, मुझे चम्मच से अंदाजे नहीं मिलते। ये देखिए, अब मैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इनमें पानी डाल के अच्छे से एक बैटर बनाऊँगी। ऐसे थोड़े थोड़े पानी डाल डाल के मैं इन्हें अच्छे से मिक्स करूंगी। ये देखिए बैटर बन चुका है, अब मैं इन्हें पकाऊंगी। पैन पूरी तरह से गर्म हो चुकी है, अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी। अब मैं इस बैटर को थोड़े थोड़े करके इनपे हल्के हाथों से मैं फैला देती हूँ। ये एक साइड पक चुका है, अब मैं इसे दूसरी साइड भी अच्छे से पका लेती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत बना है, आप इसे वेज ऑमलेट भी बोल सकते हैं। हमारा वेज ऑमलेट पूरी तरह से बन चुका है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसी तरह अब मैं दूसरा वाला भी बना लूंगी। हमारा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है, अब हम इसे टेस्ट करते हैं। ये देखिए, आप इसे सॉस या चटनी के साथ खा सकती हैं, मैं सॉस के साथ खाने जा रही हूँ।